हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Match.com। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल 2.2 के। हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है और हमें इसके दो रूट्स दिए हुए हैं। हमें पता है हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 4, इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने जीरोस मिलेंगे 4। वी हैव पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, और हम ले लेंगे ये जो हमारे पास दो जीरोस गिवन दिया है ना, ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। हमें पता है ये किसके इक्वल आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। दीज इम्प्लाइज आ जाएगा हमारा, अगर हम इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, आ जाएगा हमारा x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस, यहाँ पे माइनस की टर्म थी तो इक्वल टू इधर आएगी, प्लस की बन जाएगी अंडर रूट 5/3। तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे, जीरो के इक्वल। देयरफॉर x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ हम क्या करेंगे, पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देंगे इनके साथ। नाउ लेट अस डिवाइड, इसको करेंगे डिवाइड पॉलीनोमियल को। क्या था हमारे पास गिवन, 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ x माइनस अंडर रूट 5/3 एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। आप इसको क्या भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होती है हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा हमारा, x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको आप तो क्या जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। नाउ यू विल डिवाइड दिस पॉलीनोमियल बाय दिस, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हमारा 1, 3 वन जा 3 आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या था स्क्वायर, यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, एक्स स्क्वायर 4 चाहिए था ना, तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, एक्स टू द पावर 4। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5/3 को 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड पे करके देख लेते हैं माइनस 5/3 इंटू 3, तो क्या आएगा 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपका माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर के नीचे आएगा ना माइनस 5x स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पता है टर्म्स हो जाती हैं, साइंस हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का था माइनस का बन जाएगा, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है, सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 से 2 निकालोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी हमारी प्लस की, ऊपर से उतार लेते हैं हम प्लस का 6x³, ये प्लस आएगा यहाँ पे माइनस 10x माइनस 5। अब आप x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 6x³ आएगा, प्लस 6x के साथ करना पड़ेगा, 6 वन जा 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा आपका x³, 6x³। नेक्स्ट है आपका माइनस 5/3 को किसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस 5/3 इंटू 6, 3 वन जा 3 3 टू जा 6, तो आ रहा है आपका माइनस 10x, इधर रखना पड़ेगा, साइन कर लो चेंज, प्लस की टर्म है तो माइनस की बन जाएगी, अगर माइनस की टर्म है तो प्लस की बन जाएगी, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है कैंसिल, एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है कैंसिल, ऊपर से आ जाएगा हमारा 3x², ये आ जाएगा हमारा माइनस 5। अब आप एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 3x² आएगा, प्लस 3 के साथ करना पड़ेगा, आ जाएगा आपका यहाँ पे 3x². अब आपने किसको करना मल्टीप्लाई, माइनस 5/3 को 3 के साथ, माइनस 5/3 इंटू 3 करोगे, 3 वन जा 3 तो क्या बचेगा आपका माइनस 5, साइन कर लेते हैं चेंज, प्लस की टर्म है माइनस आ जाएगा, माइनस की टर्म है प्लस आ जाएगा, सेम है ना दोनों, तो प्लस की टर्म माइनस की टर्म कैंसिल, माइनस की टर्म प्लस की टर्म कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका जीरो। देयरफॉर क्या जाएगा हमारा, हमें पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशन्ट प्लस रिमाइंडर,
तो आपका डिविडेंड किसके इक्वल आ गया, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जीरो था इसलिए वो लिखा नहीं। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का माइनस, अंडर रूट 5/3। जब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा फिर से 5/3 बन जाएगा। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है 3x2 + 6x + 3, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आपको बता, 3x2 + 6x + 3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है आपका 3 × 3 9 और सम कितना है आपका 6। अगर आप 9 का एलसीएम लोगे तो 3 × 3 आएगा, मतलब दो नंबर आपके पास कौन कौन से मिल रहे हैं आपको 3 और 3, तो आप लिख लोगे इसको 3x2 + 3x + 3x + 3, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3x। अगर 3x कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा आपका x + 1, यहाँ पे भी आपका 3 कॉमन आएगा अंदर बचेगा x + 1, तो आपको दो रूट कौन कौन से मिल जाएंगे x + 1 और 3x + 3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को आपको सॉल्व करके क्या मिल गया ये। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल को ले लेंगे 0 का इक्वल, फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरा 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इंटू 3x + 3 × x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या 3x + 3 इज इक्वल टू 0, या x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ले लेते हैं हम दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 5/3 स्क्वायर। यहाँ से हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5/3। अब यहाँ से स्क्वायर इक्वल टू का उधर जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, और हमें पता है स्क्वायर रूट बनने के साथ साथ साइन किसके आ जाते हैं हमारे, प्लस के और माइनस के, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। 10 क्या मिल गया हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। अब हम नेक्स्ट को ले लेते हैं, और 3x + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 3, इक्वल टू को उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। हमें नेक्स्ट 0 क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास एक और वैल्यू थी x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस 1। तो हमें जीरोस कौन कौन से मिल गए, प्लस माइनस अंडर रूट 5/3, माइनस 1 और माइनस 1, तो दो जीरोस कौन कौन से आ गए हमारे, माइनस 1 और माइनस 1, प्लस अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 आपको गिवन थे, दस ऑल द 4 जीरोस कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, पॉलीनोमियल इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 1 एंड माइनस 1। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलीनोमियल g ऑफ x, द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किसी पॉलीनोमियल के साथ, मतलब अगर डिवाइजर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा x - 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें -2x + 4। तो हमें क्या निकालना, डिवाइजर क्या होगा, हियर p ऑफ x क्या हमारे पास, मतलब डिविडेंड क्या गिवन दिया हमें, x³ - 3x² + x + 2, g ऑफ x हमें निकालना है डिवाइजर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन इज इक्वल टू x - 2 एंड रिमाइंडर क्या दिया हमें, -2x + 4। हमें पता था डिविडेंड किसके इक्वल होता है, हमारा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अभी हम इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं डिविडेंड की, क्या वैल्यू हमारी x³ - 3x² + x + 2, दिस इंप्लाइज x³ - 3x² + x + 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, नहीं हमारे पास वैल्यू, g ऑफ x ही रखेंगे इंटू क्वेश्चन, क्या हमारे पास x - 2 प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास -2x + 4। दिस इंप्लाइज
हम क्या करेंगे, जी एक्स वाली टर्म रखेंगे इधर, वन बाय वन सारी टर्म्स लेके आ जाएंगे इधर, आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी इक्वल टू को इधर, तो बन जाएगी माइनस की माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। दिस इम्प्लाइज, ब्रैकेट कर लेते हैं ओपन हम, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू। दिस इम्प्लाइज जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है ना, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अभी हमें पता है एक्स स्क्वायर, वो भी कोई टर्म नहीं है, सेम रख लेंगे। एक्स वाली दो टर्म्स मिल रही हैं हमें, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स प्लस टू एक्स क्या जाएगा हमारा, थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस फोर से टू आएगा, तो टू बचेगा यहाँ पे अपॉन एक्स माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि ये जी एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू के साइड, अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। जी एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। तो हम इसको इस डिवाइड करके देख लेते हैं, हमें डिवाइजर मिल जाएगा। नाउ डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू, वी गेट एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा एक्स क्यूब। अब आप माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन हो जाते हैं हमारे चेंज, प्लस की टर्म थी तो माइनस की बन जाएगी, अगर माइनस की टर्म है तो प्लस की बन जाएगी, तो दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस थ्री से टू आएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी हमारी माइनस की, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस टू। अब आप एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स के साथ करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट है माइनस टू इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू वन जै टू इंटू एक्स, साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस की माइनस की टर्म है तो प्लस की बन जाएगी, अगर प्लस की टर्म है तो माइनस की बन जाएगी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, एक प्लस की टर्म थी एक माइनस की टर्म है, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस थ्री से टू माइनस करोगे तो एक्स बच जाएगा, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है प्लस की, माइनस टू। एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका एक्स आएगा, प्लस वन के साथ करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, माइनस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस टू वन जै टू, साइन हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, तो ये प्लस का एक्स है ये माइनस का एक्स है दोनों कैंसिल, ये माइनस का टू है ये प्लस का टू है दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका जीरो। तो जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, किसके इक्वल आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। दस रिक्वायर्ड डिवाइजर क्या जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। हमें पता है पी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा डिविडेंड, जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स क्या होता है हमारा कोशेंट और आर ऑफ एक्स क्या होता है हमारा रिमाइंडर। विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। जितनी आप हाईएस्ट डिग्री रखोगे ना डिविडेंड की, उतनी आपको रखनी है किसकी कोशेंट की। मान लो आपका डिविडेंड है जैसे एक्स स्क्वायर, तो आपका कोशेंट पे भी डिग्री कितनी आनी चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है अगर आप किसी कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो लेट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें पी ऑफ एक्स को ले लेंगे हम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 27, और अगर हम डिवाइजर क्या ले लेंगे थ्री, तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, करके देख लें यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 27 किसके साथ करना है डिवाइड, थ्री के साथ, थ्री कितने जा थ्री वन जा थ्री, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आप क्या करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतारोगे माइनस सिक्स एक्स प्लस 27, थ्री को मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस टू एक्स के साथ तो आपका आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 27 है ना, तो थ्री नाइन जा 27 करना पड़ेगा,
तो डिग्री सेम मिल रही है आपको, यहाँ पे कितनी थी x square, यहाँ पे भी x square, क्या मिल रहा हमें x square minus 2x plus 9, और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमें 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिग्री ऑफ q ऑफ x, किसकी इक्वल चाहिए आपको, क्वेश्चन की डिग्री, डिग्री रिमाइंडर के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कितनी डिग्री मिल रही है 2, तो रिमाइंडर में भी कितनी डिग्री मिलनी चाहिए 2। ऐसी कोई एग्जांपल बतानी है हमने, तो हम ले लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये ले लेते हैं, g ऑफ x हम ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड करके देख लेते हैं इसको हम, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, किसके साथ डिवाइड करना है आपने, 2x square minus 1 के साथ। तो जब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी आपका यहाँ पे बनेगा 2x cube। नेक्स्ट 1 को जब इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस x, साइन हो जाते हैं चेंज, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, ये दोनों कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3x, ऊपर से उतार लेते हैं माइनस 2x square प्लस, और यहाँ पे आ गया हमारा प्लस का 3। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस 1 के साथ करना पड़ेगा, 2 वन जा 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस क्या होता है हमारा प्लस, 3 और 1 हो जाएंगे 4, और ये हमारा 3x। अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता है यहाँ पे डिग्री किससे छोटी मिल रही है, डिवाइजर से छोटी है तो आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 1, रिमाइंडर में कितनी मिल रही है हाईएस्ट डिग्री 1, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। दिस इंप्लाइज क्या मिल गया हमें, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और क्वेश्चन कितना है हमारा x माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, क्या पार्ट है हमारा, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए 0, या आपको क्या टर्म चाहिए, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम ले लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, और g ऑफ x मतलब डिवाइजर हम ले लेंगे x, तो q ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड करके देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x को x के साथ करोगे, जब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 2x स्क्वायर आएगा, 2x के साथ करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतारोगे x, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो आ जाएगा x, साइन चेंज, कैंसिल, रिमाइंडर आ रहा है आपका 0, 0 आए या कांस्टेंट टर्म आए, आपको डिग्री कितनी चाहिए थी 0 चाहिए थी, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 0, तो आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है 2x plus 1 एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है r of x is equal to 0, सो डिग्री ऑफ r of x is equal to 0। ये हो गए हमारे तीनों पार्ट, और तीनों पार्ट में हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।